नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा इंसुलिन के पौधे के बारे में, इसको लगाते कैसे हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पौधा दिखा देता हूँ, ये रहा इंसुलिन का पौधा, देख लीजिए। तो पौधा लाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नीचे जो देख लीजिए कितने बिल्कुल जो हरा भरा लग रहा पौधा, इस तरह से होना चाहिए तंदुरुस्त। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए मिट्टी क्या लगती है। दोस्तों, ये गमला और गमले की मिट्टी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मिट्टी, तो ये मैंने 50% जो है गार्डन सॉइल ली है, गार्डन की मिट्टी ली हुई है 50%, और 50% मैंने जो है कंपोस्ट लिया हुआ है। अगर आपके पास कंपोज नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्या डाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये DAP है, दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये DAP है, बस इतना ही, 7 से 8 दाना मैंने इसमें डाल के रखा हुआ था। तो 3 दिन हो चुके हैं, ये DAP में डाल चुका हूँ, अभी नहीं डालूंगा। इसके अलावा ये देखिए नीम खली है, जिसको मैंने 1 बड़ा चम्मच मैंने डाला था नीम खली, तो ये भी 3 दिन पहले ही डाला था और मिला के रख दिया हूँ मैं। और इसमें खाने का चूना, एक चूने के मतलब एक चना होता है उसके बराबर, तो मिक्स करके मेरी मिट्टी तैयार है। ये देख लीजिए आप, 3 दिन हो चुके हैं, अब मैं इस पर पौधा लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या प्रोसेस है आगे बताता हूँ। दोस्तों, ये गमला और गमले में देखिए, ये होल देख रहे होंगे आप, ये जरूर आप होल कीजिए आप, नहीं तो पानी बाहर नहीं निकलेगा और आपका पौधा सड़ जाएगा। तो इस तरह से होल कर लीजिए, और गमले का टुकड़ा हो या फिर इस तरह के पत्थरे हो, इसको इसके ऊपर रख दीजिए, देखिए इस तरह से। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, दोस्तों अब हम इसे इस तरह से निकालेंगे, देखिए जिस तरह से, ये तो हम इसकी मिट्टी कम करेंगे, इस तरह से हम निकाल देंगे इसको। दोस्तों अब हम इसको इसमें लगाएंगे, और हम इसमें पानी डालेंगे। दोस्तों, जब भी इस तरह का काम करें तो पानी जरूर डालें, और इसको अभी कम से कम 10 से 15 दिन छांव में रखना है, इसके बाद ही आप इसको हल्के धूप पे ला सकते हैं। बहुत काम का पौधा है दोस्तों, तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जैसे कि ये मैं आपको पौधा बता चुका हूं कि इंसुलिन का पौधा है, तो इसके 17 जबरदस्त
फायदे हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, और ये सब जो है शुगर से संबंधित फायदे हैं, तो लेने का तरीका भी बता दूंगा। सबसे पहला नंबर, मोटापे और मधुमेह की समस्या से अगर आप परेशान हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद है। गलत खान पान और शारीरिक गतिशीलता की कमी की वजह से आजकल बढ़ते मोटापे और मधुमेह की समस्या आम बात हो गई है। ये अक्सर देखने को मिल जाता है कि आजकल हर कोई व्यक्ति मीठा खाने से परहेज करने लगता है, सोचता कहीं भी ये मधुमेह ना हो जाए, मैं इसकी चपेट में ना आ जाऊं। दोस्तों, अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ आसान से स्टेप बता देता हूं, उसको आप फॉलो कीजिए, वजन आपका कम हो जाएगा। रोज की रोज आप कम से कम 4 लीटर पानी पिए, इसके अलावा व्यायाम एक्सरसाइज जरूर करें। कभी भी कोई भी खाना जो है आप कोशिश ये करें कि जो है थोड़ी मात्रा में खाएं और ज्यादा बार खाएं, कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटी कम रखें और 4 से 5 या 6 टाइम का आप खाना लें जो भी है, तो इससे आपका वजन बहुत जल्दी गिरेगा। तो आप इसको जरूर फॉलो करें और कोशिश करें जब भी आप खाना खाएं उसके बाद जो है आपको जो है, जैसे अगर दिन के समय आपने खाना खाया तो 15 से 20 मिनट आप आराम कर लीजिए, और अगर रात के समय खाना खाया तो कम से कम 1,000 कदम आपको चलना है। नंबर 2, मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो ताउम्र साथ रहती है। हाँ, शरीर में शुगर के स्तर को नियंत्रित जरूर किया जा सकता है, लेकिन इससे पूरी तरह पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता, ऐसा संभव नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप। नंबर 3, इंसुलिन का सहारा। वे लोग जिनकी शुगर काफी ज्यादा बढ़ जाती है उन्हें दवाइयों के साथ साथ इंसुलिन का सहारा भी लेना पड़ता है। दोस्तों, अगर एक बार आपने अगर इंसुलिन इंजेक्शन लगा लिया तो पूरी जिंदगी लगाना पड़ता है, तो कोशिश करें कि आपको इंजेक्शन ना लगाना पड़े, मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, खाने में नियंत्रण दें, लेकिन अगर जब सब कुछ हो जाए तब तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन कोशिश हमेशा ये करें कि खूब एक्सरसाइज करें और जो है अच्छा अच्छा खाना खाएं, तो जो डॉक्टर ने जैसे जैसे बताया उस हिसाब से खाएं। तो उस स्थिति में आने से बचने के लिए आपको ये जो पौधा है इसका आप इस्तेमाल करें। खाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सुबह उठते ही आप 2 पत्ती लीजिए और 2 पत्तियों को अच्छे से पीस लें, पीस ऐसे मोटा मोटा पीस लें, जैसे भी आप पीस सकते हैं, पीस के 1 गिलास पानी में घोल के पी जाए सुबह शाम आपको करना। इससे बिल्कुल जो है आपका इंसुलिन जो है कंट्रोल में भी आ जाएगा। दोस्तों, इंसुलिन की पत्ती का आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे सैलेड के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो इसका जूस बना के पी सकते हैं, और इसकी पत्तियों को भी आप खा सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप पत्तियां खा ले तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, जरूर इसको खाएं, हल्का फुल्का जो है अगर बहुत ज्यादा मात्रा में खाएं तो दस्त दस्त लग सकता है, लेकिन अगर 1 पत्ती या 2 पत्ती खा रहे तो कुछ नहीं होगा आपको। सुबह शाम आप ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर पैर में सूजन है, गठिया है, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ये सब इस दवा से ठीक हो जाती है दोस्तों। तो जरूर आपका जो है आप जो इस पौधे को अपने घर में रखें और लगाएं, और इसको जो है खाने की विधि मैं आपको बता चुका हूं, तो इस तरह से आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, मैंने भी इसे खाया है, तो आप भी जरूर इसे ट्राई करें। 4, शरीर में शुगर नियमित रूप से इंसुलिन और मधुमेह की दवा लेने वाले रोगियों के लिए यह पौधा बहुत ही फायदेमंद है। पौधे की पत्ती खाकर ही आप अपने शुगर के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं, आपको दवाई या इंसुलिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 6, हाई डायबिटीज। इस हर्बल पौधे की पत्ती का सेवन करने से हाई डायबिटीज को भी नियंत्रित किया जा सकता है। 7, 2 प्रकार की डायबिटीज होती है दोस्तों। जानकारों के अनुसार शरीर में डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज के अंतर्गत रोगी का शरीर इंसुलिन हार्मोन्स नहीं बना पाता, इसलिए उस व्यक्ति को ताउम्र इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। डायबिटीज के करीब 10% रोगी में ही टाइप 1 पाया जाता है। नंबर 9, टाइप 2 डायबिटीज। वही दूसरे ओर टाइप 2 डायबिटीज के अंतर्गत व्यक्ति का शरीर इंसुलिन तो बनाता है लेकिन उसकी मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। इन रोगियों के ही शरीर में दवा या इंजेक्शन
किसी के भी जरिए इंसुलिन पहुंचाया जा सकता है। हार्मोन्स, विशेषज्ञों के अनुसार डायबिटीज 2 से पीड़ित रोगियों की संख्या करीब 80% है। इंसुलिन पौधे के पत्तियों का नियमित रूप से अगर आप सेवन करके आप जो है अपने कंट्रोल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इंसुलिन जो है वो कितनी खतरनाक बीमारी है, जिसे हो जाती है वो परेशान हो जाता है। तो आपको करना क्या है, ये ना हो इसलिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करें। जो भी है, अगर आपको डायबिटीज है तो भी आपको व्यायाम करना है, नहीं है तो भी करना है, तो जरूरी है, क्योंकि अगर आपका शरीर चलेगा, वर्क करेगा, तो जो है आपकी जो डायबिटीज की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। वही इस पौधे की बात, तो ये पौधा बहुत ही फायदेमंद है। ये पौधे से जो है आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। पहले ही मैं आपको बताया कि ये जो है आपके जो है डायबिटीज को ठीक कर देगा, धीरे धीरे कंट्रोल कर देगा। इसके अलावा ये खांसी, जुकाम, नाक, पेट का कीड़ा, त्वचा संक्रमण, आंखों का संक्रमण, दमा, गठिया, फेफड़े, फुफुंदी जनित यकृत, जन्म बीमारियां, अन्य बीमारियां, शारीरिक शुद्धिकरण, जिगर की सूजन, गर्भाशय के संकुचन, कब्ज, दस्त आदि के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डॉक्टर की सलाह से ले तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।